आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे बहुत बहुत इजी और इससे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हम लोग दोनों टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। एक है डिस्टेंस और दोनों में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक में क्या होता है कि आपसे सिर्फ डायरेक्शन पूछा जाता है कि बताइए कोई भी मतलब पर्सन है जो कभी लेफ्ट मुड़ता है राइट मुड़ता है, किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट करने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, तो आपसे डायरेक्शन पूछ लिया जाता है कि बताइए वो स्टार्टिंग पॉइंट में किस डायरेक्शन में था या फिर एंड पॉइंट में किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्टेंस रिलेटेड कि आप बताइए वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट से कितना पॉइंट दूर है या फिर कितना डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा कि हम लोग कर लेते हैं डायरेक्शन वाला पार्ट को कवर। ठीक है, डायरेक्शन को समझना बहुत ईजी है, पहले ध्यान से देखिएगा तभी आप डिस्टेंस के क्वेश्चन कर पाइएगा। पहले हम आपको ये पता होगा कि टोटल मेजर तो फोर ही डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। लेकिन हम लोग को मतलब एग्जाम में जो ऑब्वियस क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या नॉर्थ ईस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। आपको नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट और वेस्ट और साउथ के बीच में जैसे साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। कोई दिक्कत आपको इतना बस याद रखना है कि इतने तरह के डायरेक्शन टोटल 8 डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये एक्स्ट्रा डायरेक्शन ये भी ये और ये कि ये और ये 4। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन आपको पता है ये 4 और भी याद रखने। ठीक है, चारों का आपका डायरेक्शन पता है और कहीं भी आप ये याद रखें कि आप कोई पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहें तो आप ऐसा और तुरंत बना लें, उससे क्या होता है जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और सबसे ऊपर जो लिखा जाएगा किसी भी पेपर पे वो नॉर्थ होगा यानी साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन रहना है कि ये यूनिवर्सल है, आपको ये ऐसे ही करके पेपर पे ड्रॉ कर लेना, उसके बाद आपको क्वेश्चन अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो ऐसे ड्रॉ करके बनाना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप में जो जैसे कि राइट बोलता है आपको टर्न करने के लिए, जैसे आप मान लेते हैं एक पर्सन है, हम यहाँ पे एक पर्सन बना लेते हैं, ये एक पर्सन है, अगर अभी नॉर्थ के डायरेक्शन को फेस करते हुए कहीं जा रहा है तो आपको बोलेगा कि वो राइट टर्न ले रहा है, क्या ले रहा है राइट टर्न। तो आपको पता है यहाँ से अगर मैं राइट टर्न लूंगा तो ये राइट हैंड है तो ये राइट टर्न इस तरफ होगा, यानी आपको राइट बोलेगा तो ये उसका हैंड देखने की जरूरत है, आप डायरेक्ट राइट टर्न बोले तो आपको क्लॉक वाइज घुमा देना है। घड़ी में आपको पता है घड़ी में क्लॉक वाइज की जरूरत है, इस तरफ क्लॉक घूमता है और एंटी क्लॉक बोलूँ तो ये उल्टा ऐसे जाता है। ठीक है, क्लॉक बोलूँ तो ऐसे। ठीक है, तो क्लॉक वाइज 90 डिग्री टर्न लेना, हमेशा 90 डिग्री का टर्न बोल लेना है, यानी कि राइट मुड़ा तो ऐसे मान लीजिए ये एक पर्सन इधर जा रहा है नॉर्थ का फेस करते हुए, तो अगर वो राइट टर्न बोलूँ तो ऐसे नहीं एग्जैक्ट 90 डिग्री का टर्न लेना है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। फिर मान लीजिए अगर इस पॉइंट से मैं 90 डिग्री राइट टर्न लूंगा तो कहाँ जाएगा, क्लॉक वाइज यहाँ फिर यहाँ और फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल याद रखना है कि अगर आपको राइट टर्न करने बोला जाए तो 90 डिग्री का क्लॉक वाइज टर्न लेना है, कितना लेना है 90 डिग्री का क्लॉक वाइज। उसी तरीके से आपको लेफ्ट टर्न बोल दिया जाए कि जैसे मान लो एक पर्सन है जो कि अगर नॉर्थ को फेस करते हुए जा रहा है तो अगर वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है तो लेफ्ट टर्न का मतलब था वो 90 डिग्री लेफ्ट साइड में टर्न कर जाएगा, यानी अगर वो नॉर्थ में था तो नॉर्थ से किधर आ जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। आई होप आप ये बात ध्यान रखना है, यानी आपको जब भी लेफ्ट टर्न बोले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना है। कैसे मूव करवाना है, तो लेफ्ट टर्न में एंटी क्लॉकवाइज और राइट टर्न में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान देखेंगे, कुछ मैं क्वेश्चन लाया हूँ एग्जाम्पल में, एग्जाम में इतना ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, मैं बस ये प्रैक्टिस के लिए मैं समझा रहा हूँ कैसे आपको अप्लाई करने। जैसे आपको क्या बोला राइट टर्न ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, मान लो कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है तो उसका राइट टर्न लेंगे तो कहाँ जाएगा, तो आपको ये वाला पता ही है आपको, तो आपको कहाँ बोले अभी पर्सन जो है नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है यानी नॉर्थ ईस्ट में है, अभी कहाँ है नॉर्थ ईस्ट यहाँ होगा मेरा और उसका बोला राइट टर्न लेने, तो राइट टर्न क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ 45 और यहाँ 45, यानी वो पर्सन आप कहाँ आ जाएगा साउथ ईस्ट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, पहले वो नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा था, जब हम 90 डिग्री टर्न लेंगे तो वो कहाँ जाएगा साउथ ईस्ट, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अब वो किस साइड को फेस कर रहा है तो साउथ ईस्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कैसे करना है। ठीक है, आप एंगल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि 90 डिग्री कितना पे फेस करता है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, जैसे लेफ्ट टर्न लेना है आपको, इस बार लेफ्ट टर्न लेना है किसका साउथ ईस्ट का, तो आपको पता है ये है मेरा यहाँ पे मैं बनाऊंगा और ये मेरा हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इसका लेफ्ट टर्न बोलना है तो आपको वहाँ राइट बोला तो क्लॉक वाइज, अब लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोला तो मैं किस साइड में जाऊँगा एंटी क्लॉक वाइज उल्टा जाऊँगा, उल्टा जैसे ही उल्टा ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे मेरा ईस्ट यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाएगा दोनों के बीच में और ये फिर से कहाँ पहुँच जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। फिर से चलते हैं, अब आपको इस बार लेफ्ट डायरेक्शन लेना है किसका साउथ वेस्ट का, तो साउथ वेस्ट आपका कहाँ आएगा, आपको पता है ये मेरा साउथ है और ये वेस्ट है तो साउथ वेस्ट यहाँ आएगा,
साउथ वेस्ट का लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न का मतलब पारा मैं बोलता हूँ, लेफ्ट टर्न का मतलब होता है एंटी क्लॉक वाइज। ये तो क्लॉक वाइज होगा, जैसे जाऊँगा तो क्लॉक वाइज इससे आना है एंटी क्लॉक वाइज, और एंटी क्लॉक वाइज 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। अब मैं साउथ वेस्ट में था तो अब मैं कहाँ जाऊँगा, साउथ ईस्ट में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। आई होप आपको ये बहुत ईजी लग रहा हो, समझ में अभी आ रहा होगा कि कैसे करना है, कि जब भी टर्न लेंगे तो 90 डिग्री का ही टर्न लेंगे, और क्लॉक लेफ्ट बोलेगा तो एंटी क्लॉक वाइज और राइट बोलेगा तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में टर्न लेना। कैसे लेना है मैंने वो आपको बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको ध्यान से देखिए, उसको करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपको इस लैंग्वेज फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता दूँ, इसका डायरेक्ट डायरेक्शन का क्वेश्चन भी इसी लैंग्वेज में आता है और डिस्टेंस का क्वेश्चन भी इसी लैंग्वेज में आता है। आपको कैसे पता चलेगा कि जल्दी कैसे आंसर करना है, तो ऑप्शन जो दिए जाएंगे, अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछे तो आपको ये किलोमीटर ये सब को देखना भी नहीं है। बहुत ईजी तरीका से आज के मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप आसानी से तुरंत कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से बस देखिएगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ क्या पूछे, डायरेक्शन पूछे, यहाँ जैसे कि लास्ट में इसका आंसर क्वेश्चन क्या पूछा, विच डायरेक्शन ही मूविंग और फेसिंग, मतलब अभी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ तो आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा, तो सिर्फ आप लोग इस बात पर फोकस क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा। ए पर्सन मूविंग गोइंग टू वास्ट नॉर्थ, तो स्टार्ट कहाँ से, कौन सा डायरेक्शन से किया है, तो नॉर्थ से किया। आपको ये एक बात ही बस याद रखना है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर चलने के बाद वो राइट वॉक क्या कर लेता है, राइट टर्न ले लेता है, ठीक है। कौन सा टर्न, जो बात बोले इस बात पर ध्यान रखा है, वो राइट टर्न वॉक 15 मीटर अगेन ही टर्न्स राइट, फिर इसके बाद एक और राइट टर्न ले लेता है, क्या करता है, फिर राइट टर्न लेता है, वॉक 100 मीटर, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद कौन सा डायरेक्शन ले लेता है, लेफ्ट, मतलब उसके बाद यहाँ बस जो डायरेक्शन है उस पर फोकस करिए। इसके बाद राइट टर्न लिया, फिर उसके बाद कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न, तो राइट के लिए मैं आर लिख रहा हूँ और लेफ्ट के लिए एल। वॉक 20 मीटर, लेफ्ट टर्न लेगा और 20 मीटर चलता है, और नाउ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए वो कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ठीक है। जब भी आपसे सिर्फ डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछे तो ऐसे ही करके बनाना है, नॉर्थ से स्टार्ट किया था, पहले राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट ले लिया। तो आपको एक बात याद रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करें तो राइट और लेफ्ट को, अगर मान लीजिए एक राइट आ रहा है एक लेफ्ट आ रहा है, तो राइट और लेफ्ट को आपस में कैंसिल कर देना है, क्या कर देना है, एक राइट और एक लेफ्ट आ गया तो आपस में, अगर मान लीजिए दो राइट आ गया और इधर दो लेफ्ट भी है, तो दोनों को कैंसिल कर देना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, तो मेरे पास यहाँ पे एक राइट एक लेफ्ट है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, सिर्फ राइट बचा, तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन देखना ही नहीं था, नॉर्थ साइड में थे आप और सिर्फ एक राइट टर्न लेना था, यानी आपने ये नॉर्थ टाइप को फेस कर रहे थे और इसका 90 डिग्री राइट टर्न लूंगा तो ईस्ट आ जाएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ईस्ट। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, जब भी आपसे डायरेक्शन पूछे तो सिर्फ आप इस सारे बात पर फोकस करें, राइट घुमा कि लेफ्ट घुमा, कोई दिक्कत, और किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, बस इस चारों पॉइंट को मैंने देखा बहुत इजी से कर दिया। और मैंने आपको एक रूल क्या बताया, राइट राइट लेफ्ट आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं आपको समझ में आएगा और मजा भी आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक पर्सन है जो स्टार्ट करता है टर्न, पहले राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर क्या करता है, राइट लेता है, देन विच डायरेक्शन ही फेस। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में कुछ लग रहा है इधर है कि यहाँ पे जिस डायरेक्शन से स्टार्ट नहीं किया वो डायरेक्शन यहाँ मिसिंग है, तो मैं एक मान लेता हूँ कि वो पर्सन जो है साउथ से स्टार्ट किया था, कहाँ से किया था, पर्सन जो है साउथ डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट ले लिया। तो आपको मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ आप ये बात ध्यान दें कि साउथ से स्टार्ट किया, पहले राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट कटा देते हैं। आपको पता है कि एक राइट एक लेफ्ट आपस में कैंसिल हो जाता है, तो एक राइट लेफ्ट यहाँ पे कटा, एक राइट, तो यानी अगर वो साउथ से स्टार्ट करेगा तो फिर वापस किस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा साउथ, यानी घूम फिर के उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। कैसे होगा मैं वर्क करके भी दिखा देता, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कि नहीं ऐसा कभी हो सकता है क्या। ध्यान से देखिए, पर्सन साउथ से स्टार्ट किया था, यानी यहाँ से कलर चेंज कर लेता होता क्या पर्सन ने, साउथ से स्टार्ट किया था, पहले कौन सा डायरेक्शन लिया, राइट, तो राइट आपको पता है कि राइट लेना है तो मुझे क्लॉक वाइज जाना होगा, तो यहाँ आ जाएगा वो पर्सन, यहाँ था अब यहाँ आ जाएगा, फिर क्या लिया, लेफ्ट, तो यहाँ आ जाएगा फिर से वापस, फिर क्या लिया, फिर लेफ्ट लिया तो यहाँ आ गया, और फिर राइट ले लिया, तो फिर लास्ट में फाइनली इसी डायरेक्शन पे आ गया ना, साउथ पे ही आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर, स्टार्ट कहाँ से करता है, स्टार्ट करता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ से लिख लेता हूँ, क्या लेता पहले, राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर एक बार और लेफ्ट, तो एक राइट एक लेफ्ट खत्म, एक राइट एक लेफ्ट खत्म। तो क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में था फिर लेफ्ट डायरेक्शन लेना, आपको नॉर्थ ईस्ट बता लेना है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, मैंने जबकि सबसे पहले ये दिखा दिया था आपको, ये वाला नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे।
नॉर्थ ईस्ट आपको इजी भी है, आप बस मेन मेजर चार बनाए उसमें से बीच में जो आएगा नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट यहाँ है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक वाइज, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट मेरा आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, अब कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये बात समझ में आ रहा होगा। बस आप बोलिए कि अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, नहीं मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज के फॉर्म में, लेकिन आपको बस अगर डायरेक्शन पूछे तो इस बात को ही फोकस करना, मैंने उसी चीज को शॉर्ट में लिखा है ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप आसानी से कर ले। आई होप आगे ये बात पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और कर लेता हूँ लास्ट ताकि आपको समझ आ जाए। नॉर्थ आप फिर क्या करता है, एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में है, पहले वो नॉर्थ से स्टार्ट कर रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि वो नॉर्थ में था पहले, अगर मैं ये बना लूँ तो यहाँ पे खड़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर लेता है, वो एक राइट टर्न लेता है, फिर एक और राइट टर्न लेता है, फिर एक और राइट, फिर लास्ट में वो लेफ्ट टर्न लेता है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ वो कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो एक राइट एक लेफ्ट तो आपस में कट गए, तो दो राइट बच, यानी यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में वो पर्सन खड़ा है, यहाँ पे बड़ा बना लेता हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है, यहाँ से आपको दो राइट टर्न लेने हैं। दो राइट टर्न का मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, एक राइट टर्न लूंगा तो यहाँ आ जाऊंगा, फिर एक और राइट टर्न लूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा, यानी अब मैं साउथ में पहुंच गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा डायरेक्शन को पर्सन आप फेस कर रहा है, तो साउथ। बहुत ईजी है, ज्यादा दिमाग लगाना, आप बस इसको एक बार पॉज करके समझ लीजिए या फिर एक बार रिवर्स करके वो और देख लीजिए, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अब बात करता हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्या है कि चार लेफ्ट हो जाए या फिर चार राइट हो जाए तो सेम डायरेक्शन हो जाए। सेम डायरेक्शन का मतलब कि आप मान लीजिए एक बात को यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब मैं मानता हूँ कि मैं नॉर्थ में खड़ा था, उसके बाद पहले मैंने राइट लिया, फिर एक बार राइट लिया, फिर एक और बार राइट लिया, और फिर एक और बार राइट, मतलब टोटल चार बार राइट लिया। तो देखिए आपने कि मैंने नॉर्थ से स्टार्ट किया था, फाइनली मैं घूम फिर के कहाँ पहुँच गया, फिर नॉर्थ में ही पहुँच गया। यानी कब कोई भी एक्शन को चार बार सेम डायरेक्शन में परफॉर्म किया जाए तो आप उसी डायरेक्शन में पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। सेम बात मैं उसी में समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए मैं साउथ में खड़ा था, ठीक है, साउथ में करता हूँ, और यहाँ से मैं चार लेफ्ट लेता हूँ। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक वाइज, यानी यहाँ एक बार, दो बार, यहाँ पे कुछ एक मिनट, फिर एक बार, फिर एक और बार, और फिर एक और बार, यानी मैंने चार बार लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया। तो आप देख सकते हैं कि घूम के मैं फिर कहाँ पे आ गया, साउथ में ही आ गया। यानी चार लेफ्ट लीजिए या फिर चार राइट लीजिए, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, सेम ही डायरेक्शन में वो रिवर्स आ जाएगा। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इजी समझने के लिए मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि मैं नॉर्थ को फेस कर रहा था और मैंने चार बार राइट डायरेक्शन में मूव किया, मतलब चार बार राइट टर्न लिया, तो क्या आप कौन सा डायरेक्शन को फेस करूंगा, तो आंसर मेरा नॉर्थ ही होगा क्योंकि मैंने चार बार कर दिया। तो चार का मतलब यही नहीं समझना है, चार का मतलब ये समझना है कि चार का मल्टीपल भी, अगर मैं आठ बार करूंगा तो मैं एक बार और समझा दूं कि मान यही परफॉर्मेंस को मैं आठ बार करूंगा, तो एक एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, घूम के, यानी चार का मल्टीपल जैसे ही आना शुरू होगा तो घूम के मैं उसी डायरेक्शन में आ जाऊँ। अगर मैं बारह बोलूँ, नॉर्थ में खड़ा होकर बोलूँ कि मैं बारह राइट टर्न लिया है तो मैं फिर से नॉर्थ में ही आ जाऊँगा, बारह लेफ्ट भी बोलूँ तब भी मैं घूम के कहाँ जाऊँगा, बारह लेफ्ट भी बोलूँ तब भी मैं घूम के आ जाऊँगा नॉर्थ में। यानी आपको याद रखना है चार का कोई मल्टीपल कोई सेम बार रिपीट किया जाए तो उसी डायरेक्शन में लोग वापस आ जाते हैं। इसी में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें क्या होता है कि आपको पता, अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे और आंसर कभी नहीं निकाल पाएंगे। सो दो कॉन्सेप्ट याद रखने आपको कि एक लेफ्ट और यहाँ पे एक लेफ्ट और एक राइट आपस में कट जाते हैं, कोई दिक्कत, यानी सेम अपोजिट रहेगा लेफ्ट राइट तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर मान लूँ मैं ईस्ट में खड़ा था और मैंने एक राइट टर्न लिया तो यहाँ आ जाऊँगा, फिर मैंने लेफ्ट ले लिया तो मैं तो वहीं ना पहुँच जाऊँगा, तो इसलिए इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। तो आपको क्या बोला जाए एग्जाम में, एक नॉर्थ मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में एक पर्सन फेस कर रहा है तो वो क्या करता है, पहले 300 राइट टर्न लेता है, फिर 200 लेफ्ट टर्न लेता है, तो आपको बताना है कि वो पर्सन कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहा है। आई होप यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है कि जो सेम है कैंसिल कर देना, तो आपको पता है 300 राइट में को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 200 राइट डायरेक्शन प्लस 100 राइट और लेफ्ट वाला को 200 लेफ्ट, हो गया ना। तो आपको पता है 200 राइट और 200 लेफ्ट खत्म हो गया, कोई दिक्कत, बचा आप 100 राइट। 100 राइट क्या 25 का मल्टीपल है, सॉरी 4 से प्रॉपर डिवाइड हो सकता है, तो हाँ 25 वन कट गया, यानी आप फिर से घूम फिर के कहाँ पे आ जाएंगे, तो नॉर्थ ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, कोई दिक्कत, सिंपल है, कुछ दिमाग मत लगाना है, बस
सेम राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल होते हैं और चार का मल्टीपल सेम घूम फिर के उसी डायरेक्शन में आ जाता है, यानी ये चार का मल्टीपल था नॉर्थ से स्टार्ट हुआ तो फाइनली फिर घूम के कहाँ पे आ जाएगा, नॉर्थ में ही आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर 225 राइट टाइम्स है और फिर 200 लेफ्ट टाइम्स है, तो आपको पता है 225 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 200 राइट प्लस 25 राइट कॉमा 200 लेफ्ट, तो 200 राइट 200 लेफ्ट कैंसिल, बच गया 25। तो 25 को पता है कि आप 25 को 4 से डिवाइड देंगे तो 6 बार में 24 आएगा और एक बच जाएगा, यानी एक बार राइट सिर्फ बचेगा, यानी 25 राइट में, क्योंकि आपको पता है 25 में 4 से जितना कटेगा उसको हटा देना है तो 24 कट जाएगा, एक राइट बच जाएगा। कितना बच रहा है? सिर्फ एक बार राइट घुमाना होगा आपको, यानी नॉर्थ ईस्ट का एक राइट करेंगे। ये है मैं यहाँ पे, मैं नॉर्थ ईस्ट में खड़ा हूँ, असम में चला गया, मैं नॉर्थ ईस्ट में खड़ा हूँ, तो यहाँ से सिर्फ एक राइट टर्न लेनी है, तो एक राइट टर्न का मतलब क्लॉक वाइज, और मैं आ जाऊँगा यहाँ पे साउथ ईस्ट में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? अब मैं कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहा हूँ? तो साउथ ईस्ट। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, अपोजिट वाले को कटाना है और चार का मल्टीपल जितना भी आएगा पूरा पूरा डिवाइड लगा हटा देना है और जो रिमाइंडर बचेगा उसी डायरेक्शन में आपको घुमा देना है, कोई दिक्कत। और आपको यहाँ पे समझ आता हूँ एक बार और समझाने के लिए, मान लो मैं अगर आपसे बोलता कि मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ और मैंने 250 टर्न ले लिया, कितना टर्न ले लिया? 50 टर्न ले लिया, तो बताइए मैं कौन सा डायरेक्शन में जाऊँगा? तब कुछ नहीं करना है, 250 को राइट टर्न लिया या लेफ्ट, जो भी बोलो, ध्यान रखना इस बात को, चार बार डिवाइड होगा तो ये 4 6 24 वन बचा, 4 2 8 कितना बार, ये रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो बस आपको 2 राइट ही घुमाने, यानी आपको इसका सिर्फ 2 बार राइट घुमा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, नॉर्थ का 2 बार राइट घुमाऊंगा तो आपको पता है ये मेरा नॉर्थ, और यहाँ से एक बार राइट क्लॉक वाइज डायरेक्शन जाना होता है राइट में, फिर एक और बार राइट, यानी मैं नॉर्थ से कहाँ पहुँच जाऊँगा? साउथ ईस्ट का आंसर साउथ हो जाएगा। सिंपल है, और कुछ नहीं करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया।